वालेकुम हलीमा सुहेल व्लॉग्स में आपको खुश आमदी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं आज मैं यहाँ पे आपके लिए एक बहुत डिफरेंट सी डिश लाई हूँ जो कि बहुत टेस्टी बनती है अफ़ग़ानी सीख कबाब कढ़ाई चलिए जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ यहाँ पर मैंने लिया था हाफ़ के जी बोनलेस चिकन और इसको मैंने कीमा कर लिया था आप बाज़ार से कीमा भी ले सकते हैं पर कीमा बहुत बारीक होना चाहिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम प्याज दिया था और प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया है प्याज को चॉप करने के बाद मैं लूँगी एक घटी हरा धनिया और उसमें पाँच हरी मिर्च लूँगी मीडियम साइज़ की उसको भी चॉप कर लूँगी इनको चॉप करने के बाद कीमा और जो प्याज है मैं एक छन्नी में डाल दूंगी और इनका पानी अच्छी तरह निचोड़ लूंगी कीमे में और प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारे जो कबाब हैं वो टूटेंगे बिल्कुल ड्राई होना चाहिए कीमा भी और प्याज भी अच्छा जी यहाँ पे मैंने कीमा और प्याज देखें एक बाउल में डाल लिया है अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्चे जो चॉप की थी और हरा धनिया जो चॉप किया था ये ये डालने के बाद हम आते हैं अपने मसालों की तरफ मसालों में मैं डालूंगी वन टीस्पून काली मिर्च वन टीस्पून लाल मिर्च कूटी हुई वन टीस्पून इसमें मैं डालूंगी नमक का हाफ टी स्पून इसमें मैं डालूंगी गरम मसाले का वन टीस्पून इसमें मैं डालूंगी सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ अच्छा जी ये मसाले ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी एक अंडा फिर मैं इसमें डालूंगी एक टी स्पून भर के लहसुन की और एक टीस्पून अदरक की दोनों चीज़ें पिसी हुई हों और फिर इसमें ऐड करेंगे हम वन टीस्पून भर के घी का आप ऑयल या बटर भी ले सकते हैं अच्छा जी ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसको कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कीमे को आपने काफ़ी देर लगा के अच्छी तरह मिक्स करना है मिक्स करने के बाद इसमें मैं एक ब्रेड लूँगी उसके किनारे उतार लूँगी वो भी ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ऐसे मिक्स करना है जैसे हम आटा हैं ना इस तरह बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको एक बाउल में डाल के रख देंगे एक से डेढ़ घंटे के लिए मैरिनेट करके यहाँ पे देखिए जी ये कीमा मैंने एक से डेढ़ घंटे के लिए रख दिया था डेढ़ घंटे के बाद मैंने इसके कबाब बनाने शुरू किए थे यहाँ पे मैंने एक प्याली में घी लिया है और यहाँ पे मैं इस तरह से कीमा लूँगी और एक सीख लूँगी इस तरह से सारे सीख कबाब जो हैं मैं बना के रख लूँगी अलग से आपने इस तरह सारे एक साथ बना के एक डिश में इस तरह से सारे रख लेने हैं पहले उसके बाद एक पैन लेना है उसमें हाफ़ कप कप जो है वो घी का डालना है और फिर इसमें इन कबाबों को फ्राई कर लेना है इन कबाबों को बहुत हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है तेज़ पे नहीं करना तेज़ पे करेंगे ये ऊपर ऊपर से पकेंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे चले जी चलते हैं फिर आगे यहाँ पे मैं लूँगी दो मीडियम साइज़ के प्याज इसको काट लेंगे इसमें हाफ़ कप मैं ऐड करूँगी काजू के और फिर इसको हम जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे अच्छा अच्छा इसको इतना ग्राइंड करना है प्याज और काजू को कि क्रीम की शक्ल बन जाए बिल्कुल यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्रीम की तरह हो गए हैं फिर मैं एक पैन लूँगी पैन में हाफ़ कप जो है मैं ऑयल का डालूँगी वन टीस्पून इसमें मैं लहसन वन टीस्पून इसमें मैं अदरक ऐड करूँगी यहाँ पे जब लहसन और अदरक पकना शुरू हो जाएंगे तो हम इसको थोड़ा सा ब्राउन सा करेंगे गोल्डन ब्राउन सा लाइट सा अच्छा जी ये ब्राउन करने के बाद इसमें जाओ हमने काजू और जो प्याज ग्राइंड करके रखे थे वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे इसको अच्छी इतना भूनेंगे कि ये ब्राउन हो जाएंगे बिल्कुल प्याज और काजू अच्छा चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना नहीं तो काजू नीचे लग जाते हैं पैन में यहाँ पे देखें ये मेरे जो प्याज और काजू थे ये ब्राउन हो गए अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले यहाँ पे मैंने डाला है एक टीस्पून इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा एक टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च एक टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक हाफ टी स्पून इसमें मैंने डाला है गर्म मसाला यहाँ पे फिर जी एक जग में हम लोग एक कप दही डालेंगे और छह हरी मिर्च डाल देंगे मीडियम साइज़ की और इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद ये जो हमारे प्याज ब्राउन हुए हुए थे इसमें हम ये दही ऐड कर देंगे दही को ग्राइंड करके आपने डालना है अगर नहीं ग्राइंड करना है तो इसको बहुत अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और मैंने इसमें हरी मिर्चें भी इसके साथ ही ग्राइंड कर ली थी यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे ये देखें मसाला इस तरह से तैयार हो गया है मसाले को हमने बहुत अच्छा तैयार करना है मतलब मसाला तैयार हो तो इसके ऊपर इस तरह से घी आ जाए ये देखें जी यहाँ पर बबल बन रहे हैं इसमें जब ये बबल बनना शुरू हो जाए मसाले का कलर इस तरह का हो जाए ऑयल इसके ऊपर आ जाए बिल्कुल मसाले के फिर हम इसमें क्या करेंगे सीख कबाब इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे देखें जी मैंने इस तरह से सारे सीख कबाब जो हमने बना के रखे थे इसमें डाल दिए हैं सारे सीख कबाब इसमें डालने के बाद हमने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है सीख कबाब टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं और यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने एक कप पानी का डाल दिया और इसको कवर करके रख लिया सात से आठ मिनट के लिए कवर करके रखने के बाद देखें निकाला तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है और इसके ऊपर मैं हाफ़ कप क्रीम का ऐड कर दूंगी। क्रीम का ऐड करने के बाद हमने इसको फिर कवर करके पाँच मिनट के लिए पकाना है यहाँ पे देखें जो क्रीम ने भी पानी छोड़ा था जो हमने पानी भी छोड़ा था इस तरह हो गया है अब मैं इसको डिश आउट करूँगी देखिए इसमें इतनी ग्रेवी होनी चाहिए आपको नज़र आ रही होगी ये देखिए इतनी ग्रेवी होनी चाहिए आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और सीरियसली ये वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह आपकी सबकी भी बहुत अच्छी बनेगी यहाँ पे मैं आपको करती हूँ अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह कल मैं एक नई रेसिपी के साथ आपको मिलूँगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़